आखिर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसी क्या इमेज भेजी जिसे देखकर साइंटिस्ट दांतों के तले उंगलियां चबाने लगे और एक एक्सोप्लैनेट पर लाइफ होने की बात तक को कहने लगे। क्या सच में जेम्स वेब ने किसी प्लैनेट पर लाइफ को खोज लिया है? और हाँ, तो वो एलियन लाइफ दिखने में कैसी है? आई एम श्योर आप सभी बहुत ही एक्साइटेड हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखना वरना करेक्ट नहीं कर पाओगे, वीडियो समझ नहीं आएगी। 25 दिसंबर साल 2021 ये वो दिन है जिसे मानव इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन सदी के सबसे एडवांस टेलीस्कोप जेम्स वेब को गुआना स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। और कुछ ही हफ्तों में जेम्स वेब 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पॉइंट तक पहुंच गया। दरअसल ये अर्थ और सन के बीच मौजूद एक स्टेबल ग्रेविटेशनल ऑर्बिट है। यहाँ स्पेसक्राफ्ट को मूव करने के लिए कम से कम फ्यूल लगता है। और आपको तो मालूम ही होगा कि 12 जुलाई को जेम्स वेब ने ब्रह्मांड की सबसे अंधेरे कोनों की अब तक की सबसे क्लियर और डिटेल्ड इमेजेस को भेजा था, और इतने क्लियर और डिटेल इमेजेस अब तक का कोई भी टेलीस्कोप नहीं भेज पाया। इसे देखकर साइंटिस्ट में यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन की एक नई उम्मीद जगी है। और इसी बीच जेम्स वेब को एलियन एक्सप्लोरेशन से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। जेम्स वेब की अब तक की भेजे गए सबसे पहली इमेजेस में एक ऐसी इमेज भी थी जिसे देखकर साइंटिस्ट हैरान रह गए। इस तस्वीर में ऐसा क्या था, यही सोच रहे होंगे। वेल, ये इमेज कोई मामूली इमेज नहीं है, बल्कि एक एक्सोप्लैनेट वास्प 96B का स्पेक्ट्रल डेटा है। इस इमेज में दिख रहे ग्राफ में इस प्लैनेट की स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीडिंग्स हैं। और आपको बता दूं कि किसी भी हेवनली बॉडी या प्लैनेट के स्पेक्ट्रल डेटा एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें उस हेवनली बॉडी या प्लैनेट से आ रही लाइट रेज की वेवलेंथ को स्टडी करके वहां पर मौजूद ज्योग्राफिकल और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का पता लगाया जाता है। और इसी टेक्निक के जरिए साइंटिस्ट हजारों प्लैनेट्स और स्टार्स को स्टडी कर चुके हैं। अब सवाल आता है कि जेम्स वेब द्वारा लिए गए इस स्पेक्ट्रल डेटा में ऐसा क्या था जिसे देखकर साइंटिस्ट हैरान रह गए, और इसे एलियन से क्यों जोड़ा जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। इस सवाल का जवाब मिलेगा नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां नासा की टीम ने इस स्पेक्ट्रल डेटा पर एक डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश किया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि वास्प 96B की लोकेशन। नासा से मिली जानकारी के अनुसार ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये प्लेनेट एग्जैक्टली मिल्की वे में कहां पर है। और ये बात भी सामने आई कि ये प्लेनेट हार्श होते हुए भी अपने अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर को बनाए हुए है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर वेपर मौजूद है। और ये बात हैरान कर देने वाली है, क्योंकि हमें मिले डेटा के अकॉर्डिंग इस प्लेनेट का टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से 10 गुना ज्यादा है। इस प्लेनेट से मिले स्पेक्ट्रल डेटा ने यह बताया कि इस प्लेनेट पर एक एटमॉस्फेयर है जिसमें पानी फ्रीज की फॉर्म में फ्रोस्ट होकर बादलों के बीच जमा हुआ है, जो कि इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि शायद यहाँ अर्थ की तरह एक एक्टिव हाइड्रोस्फीयर प्रेजेंट है। पर वो किस हद तक लाइफ से एसोसिएटेड है फिलहाल तक ये बताना मुमकिन नहीं है, बट मे बी फ्यूचर में हमारे पास इस प्लेनेट की और भी इन्फॉर्मेशन होगी जिससे हम बता सकेंगे कि वहाँ लाइफ है भी या नहीं और किस तरह की है। बट मैं अपने व्यूअर्स को ये बात साफ कर दूं कि ये एलियंस उन एलियंस की तरह नहीं होने वाले जिन्हें हमने मैन इन ब्लैक जैसी मूवीज में देखा है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगर वहाँ एलियन लाइफ है तो किस फॉर्म में होगी और वो जीव कैसे दिखते होंगे। ये ऐसे सवाल है जिन्हें इंसान अब तक सुलझा नहीं पाए, पर उम्मीद है कि हम फ्यूचर में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे। दोस्तों, वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हम ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो बस एक छोटी सी चीज करना, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।